अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कुकिंग आइडिया विद ब्यूटी टिप्स में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। आज मैं आपको अपने किचन में सिखाने जा रही हूँ खोया बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही इजी है, बाजार से बहुत ही महंगा मिलता है। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए लेकर आई हूँ स्पेशल रेसिपी, जो बहुत सी मतलब स्वीट डिशेज में डाला जाता है, तो बाजार से बहुत ही महंगा होता है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम घर में भी उसको बना सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये तो खोया बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, 1.5 कप मैंने दूध लिया है, जिसको मैंने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था और उसको बाद में ठंडा कर लिया है, और 1 कप भर के मैंने खुश्क दूध लिया है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। जी, मैंने सबसे पहले इसके अंदर दूध ऐड कर लिया है, जो 1.5 गिलास मैंने दूध लिया था। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे और पकाने के बाद इसके अंदर दूसरा खुशक दूध ऐड करेंगे। ये देखिए, अब थोड़ा सा पकना शुरू हो गया, तो हम इसके अंदर खुशक दूध ऐड करेंगे जो हमने लिया था। अब इसको मिक्स करते हैं और इसको पकाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और हमारा खोया रेडी हो जाएगा। ये देखिए, हमारा खोया गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। हमने इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे पकाना है, तकरीबन 15 मिनट। आप देख सकते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा है, तो हमने जब ये बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा तो हमने इसको उतार लेना है और ठंडा करके हम इसको किसी भी रेसिपी में, स्वीट डिश में डाल सकते हैं। साथ साथ ही इसका चम्मच चलाते रहना है, चम्मच को रोकना नहीं है क्योंकि नीचे लगता रहता है। साथ साथ ही हमने इसको चम्मच चलाते रहे, इसका तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर नीचे लग गया तो सारा खराब हो जाएगा। ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा खोया रेडी हो चुका है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और फॉलो करें, और अगर आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्लीज प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें, क्योंकि मीठी डिशेस बनाते हैं हम तो वो बहुत ही जबरदस्त बनती हैं अगर हम उसके अंदर खोया ऐड करते हैं। तो जरूर ट्राई करिएगा। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारा खोया कैसे रेडी हुआ है। मैंने इसको ठंडा कर लिया है निकालने के बाद, बहुत ही जबरदस्त रेडी हुआ है, क्योंकि मीठी डिशेज जब भी बनाते हैं तो हमें इसकी जरूरत पड़ती रहती है, और बाजार से तो ये बहुत ही महंगा मिलता है, तो हम घर में इसको बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।